तो इस मैकडाउन में हमें सिनेमैटिक सेगमेंट देखने को मिलता है रोमन रिंस और कोडी रोड्स के बीच। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रसलमेनिया 40 के बाद शायद ऐसा सिनेमैटिक सेगमेंट हमें पहली बार देखने को मिला है। तो सेगमेंट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जॉर्जिया टेक स्टेडियम जो कि अटलांटा में है, और इस स्टेडियम से रोमन रिंस येलो जैकेट के लिए फुटबॉल खेला करते थे, और अटलांटा तो कोडी रोड्स का होम टाउन भी है। इस सेगमेंट को काफी ज्यादा सिनेमैटिक तरीके से शूट किया गया था जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कुछ एसयूवीज आती हैं जिसमें से रोमन रिंस निकलते हैं और जॉर्जिया टेक स्टेडियम के सेंटर में आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद कोडी रोड्स अपनी व्हाइट स्पोर्ट्स कार में आते हैं और रोमन रिंस के सामने फेस टू फेस आ जाते हैं। रोमन रिंस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसमें रोमन बोलते हैं कि कोडी, ये जो फील्ड है इससे मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं, ये फील्ड मेरी है तो ये स्टेडियम भी मेरा हुआ, और अगर ये स्टेडियम मेरा है तो ये सिटी भी मेरी हुई। अब तू बता कि तूने इस सिटी के लिए क्या करा है। जिस पर कोडी बोलते हैं कि ये स्टेडियम बनने से पहले मेरी फैमिली यहाँ रह रही है और मेरी फैमिली ने इस सिटी के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो ये सिटी जितनी तेरी है उससे कहीं ज्यादा मेरी हुई और ये मेरा होम भी है। जिस पर रोमन एग्री करते हैं और बोलते हैं कि तूने बैड ब्लड के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गलती कर दी है, क्योंकि सिर्फ तू ही एक अकेला ऐसा बंदा है उस मैच में जिसके पास हारने के लिए एक चीज है, बाकी सबके पास कोई भी चीज हारने के लिए नहीं है। रोमन रिंस बोलते हैं कि सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन ने सबसे पहले जिमी उसो को उनसे छीना, उसके बाद वाइज मैन पॉल हेमन को छीन लिया और अब उनकी उला फाला भी छीन ली गई है। रोमन रिंस ये भी बोलते हैं कि काफी टाइम बाद उनके शोल्डर पे कोई वेट नहीं है जिसको उन्हें डिफेंड करना है। जिस पर कोडी बोलते हैं कि रसलमेनिया 40 से पहले ही मैंने बोला था कि रसलमेनिया 40 के बाद रोमन रिंस विल बी अ ट्राइबल चीफ विदाउट अ ट्राइब, और कोडी बोलते हैं कि इस समय थोड़ा WWE पे ध्यान दे, सोलो सिकोवा पे ध्यान दे, क्योंकि अब वो पहले की तरह ट्राइबल चीफ नहीं है, WWE भी उसकी नहीं है और ये अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी उसकी नहीं है। जिस पर रोमन रिंस थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए। जिस पर कोडी रोड्स बोलते हैं आई नीड योर वर्ल्ड, जिस पर रोमन रिंस कोडी रोड्स को अपने वर्ड देते हैं और बोलते हैं कि बैड ब्लड में वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे और वो एक टैग टीम की तरह लड़ेंगे क्योंकि उनका एक ही टारगेट है और वो है सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन। लेकिन रोमन रिंस बोलते हैं कि ब्लड लाइन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो कोडी रोड्स के पास आएंगे अपनी अनडिस्प्यूटेड टाइटल वापस लेने। जिस पर कोडी रोड्स बोलते हैं कि ये जो तू लेने आएगा वो तेरी टाइटल नहीं बल्कि मेरी टाइटल है, जिसके बाद कोडी रोड्स रोमन रिंस को क्रॉस करके खड़े हो जाते हैं, जिस पर रोमन रिंस बोलते हैं यू आर इन माई वे। तभी कोडी रोड्स थोड़ा पीछे हट जाते हैं और रोमन बोलते हैं यू आर इन माई वे इन लाइफ, यानी कि तू मेरी जिंदगी का एक कांटा बन चुका है, मैं जहां भी जाता हूं तू मेरे सामने आ जाता है। ये बोलने के बाद रोमन रिंस वहां से चले जाते हैं और इस बेहतरीन सेगमेंट का डी एंड हो जाता है। तो इस सेगमेंट को देखकर ये तो पता चलता है कि रोमन रिंस और कोडी फिलहाल के लिए तो पार्टनर हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें रोमन रिंस और कोडी रोड्स एज अ राइवल देखने को मिलेंगे। और अब इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ब्लड लाइन में क्या होगा, क्या द रॉक वापस आएंगे, क्या वाइज मैन पॉल हेमन सच में रॉक के साथ होंगे, क्या जिमी उसो वापस आएंगे, क्या जे उसो रोमन रिंस की मदद करेंगे। काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें आने वाले समय में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं रेसलिंग ब्रो।